वेलकम बैक टू मुस्वी व्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग गुड। सो गाइज, आप लोग कैप्शन से तो समझ ही गए होंगे कि साफ़ सफाई का ये व्लॉग है पूरा। एंड ये देखिए, ये मैंने केदारनाथ से ख़रीदा था, ये केदारनाथ का ये पूरा ये, एंड ये एक फ़ोटो भी फ्रेम मैंने ख़रीदा था। एंड ये सब का मुझे आज साफ़ सफाई करना है। ये सब यहाँ पर सजा रहता था तो वो सब में थोड़ा सा धूल वूल हो गया था, तो इसी के लिए मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि इसको साफ़ कर दो। तो बिकॉज़ वो जो मैंने केदारनाथ लेके आया है ना, ये जो दो चीज़, तो उसको मुझे यहाँ पर अकोमोडेट करना था, बट वो क्या नाम है, तो इसी के लिए वो बोली कि वहाँ पर उसको कोई भी मतलब कि सजा देने के लिए, तो यहाँ पर थोड़ा धूल वूल भी था, तो शी सेड कि यहाँ पर अच्छे से साफ़ करके तभी उनको सजा देने के लिए। तो उसको दो चीज़ को अकोमोडेट करने के लिए तो मुझे थोड़ा बहुत यहाँ सब कुछ करना पड़ा। तो ये जो है ना, ये ना वो जो कैंडल रखने का था, तो ये बेसिकली मिडिल में था क्योंकि बड़ा है, ये सब सारा छोटा छोटा सेल्फ्स है तो उसमें ये आएगा नहीं, तो ये बेसिकली यहाँ था। बट मुझे ना ये केदारनाथ का ये सब चीज़ ना ये मिडिल में ऐसे ही रखना है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था अब कि मैं वो वाला जो कैंडल रखने वाला है उसको अब मैं यहाँ पर कैसे सजाऊँ। बिकॉज़ ये मैंने एक बार उसको साफ वाफ करके केदारनाथ को तो प्लेस कर दिया है, तो इसके लिए मैं सोच रही थी ना कि वो जो छोटा छोटा एलिफेंट्स एंड ऑल है, मैं उसके साइड में यहाँ पर रख दूँगी, हाँ ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे सजाया है ऐसे ही। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, एकदम खाली खाली सा, एंड वो अभी प्लेस कहीं हो रहा था नहीं, तो अभी मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये कहाँ प्लेस करूँ, एंड ये सारा ये सब बॉक्स में जा भी नहीं रहा था। एंड मुझे वो केदारनाथ वाला जो पोर्शन मैंने बनाया है उसको मुझे हटाना भी नहीं था, मुझे उसको एज इट इज़ चाहिए था। तो उसी में थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न हो गया था कि मैं कौन सा चीज़ कहाँ प्लेस करूँ जिससे वो थोड़ा अच्छा लगे, तो इसीलिए थोड़ा, और ये इतना इतना सब चीज़ है तो उसको भी ऐसे ऐसे करके मुझे ठीक से अच्छे से सजाना था। तो लेट्स सी, देखते हैं अभी मैं क्या कर सकती हूँ इसके साथ। देखते कि ये केदारनाथ का ये सेटअप ऐसे ही रहेगा या फिर मैं और इसको चेंज वेंज करूँगी, कुछ भी करना है, लेट्स सी क्या होता है। एंड देन गाइज, ये जो जितना सारा वास एंड ऑल था, सॉरी ये स्टैट्यू एंड ऑल है, तो ये सबको ना मैं ऐसे ही मतलब कि सबको नहला दे रही थी, बिकॉज उसको एक एक मतलब सब में थोड़ा धूल जम गया था, तो उसको ना साफ़ करना था, तो ड्राई कपड़ा से मुझे मेरी सास ने बोला था करने के लिए, बट वो जा ही नहीं रहा था, वो मतलब कि वो शाइन ही नहीं आ रहा था, तो इसी के लिए ना आप कौन इतना करेगा, मुझे भी ये सब करने का कोई आइडिया नहीं है, मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी। तो मुझे जो इजी लगा, समझ में आया, मैंने वही किया, मैंने जितना सारा स्टैट्यू हुआ सब कुछ लिया, सब में पानी डायरेक्ट ऐसे ही नल खोल के रख दिया, एंड ये पूरा एकदम ये पूरा जिसमें इसका धूल एंड ऑल सब कुछ चला गया एक बार में ही। इसी के लिए मैंने एक में ट्राई किया तो मुझे ये मेरा मतलब कि ये आइडिया मेरा चल गया, तो मैंने जितना भी वहाँ पर स्टैट्यू वाज जो भी था सबको ऐसे ही मैंने साफ़ किया। एंड देन मैंने ना इसको जब पानी से ऐसे हो जा रहा था तो मैंने एक कपड़ा भी लिया था, तो वो कपड़ा से भी मैं उसको साफ़ कर ही दे रही थी फिर से। थोड़ा मेहनत हो रहा था, आना जाना करना पड़ रहा था, बट कोई नहीं, मतलब वो हाथ को ऐसे ऐसे करने से अच्छा है कि मैं थोड़ा वॉक कर लूँ और इसको एक बार में ठीक करवा, मतलब कि धूल वूल एक बार में ही चला जाए, तो ये इजी पड़ रहा था, थोड़ा हेक्टिक हो गया था वो करने में। तो मैंने फिर जब वो पूरा पानी से ये हो जा रहा है तो मैं उसको हल्का हल्का से वाइप आउट कर दे रही हूँ सारा। तो जितना भी यहाँ पर स्टैट्यू सजा था मैंने सबको ऐसे ही सेम प्रोसेस में ही क्लीन कर दिया। अब मुझे क्योंकि आइडिया ही नहीं था कि ये सब कैसे क्लीन होता है, ये सब कुछ मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था, मैं फ़र्स्ट टाइम ही ये सब कर रही थी, क्योंकि मेरे वो भी घर में सब मम्मी करती थी, तो उतना मैंने कभी देखा नहीं कि ये क्या है, कैसे मम्मी करती है सबका। और ये फिर मेरे हाथ में आया तो मैंने अपना दिमाग लगा के सबके साथ ऐसे ही कर दिया शॉर्टकट में। मे बी ऐसे ही सब लोग भी करते होंगे, मुझे कोई आइडिया नहीं है, पता नहीं अगर आप लोग कैसे करते वो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, या मैं रॉन्ग भी हो कहीं पर वो भी क्लियर कर देना कि ये ऐसे नहीं होते वैसे होता है।
तो बस यही सब मैं कंटिन्यू कर ही रही थी। बहुत सारा वासेस एंड ऑल था, सबको क्लीन एंड ऑल कर रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने ये दो पोर्शन में यहाँ पर रहेगा, तो ये वास अभी क्लीन करना था, तो फिर ये वास मैंने निकाला। एंड गाइस ये मेरा फेवरेट वास है, बहुत प्रिटी है ये, देखिए आप लोग को भी अच्छा लगेगा। इट्स सो प्रिटी, इसका कलर, इसका टेक्सचर, सॉरी टेक्सचर, इसका प्रिंट एंड ऑल सब कुछ इतना सुंदर है ना। ये ना रवि लेके आया था, मतलब ये तो जितना भी सामान है सब वही लेके आता है, उसको ये सब चीज़ का बहुत शौक़ है, मतलब इंटीरियर एंड ऑल करने का घर में। तो ये वो लेके आया था, तो ये ना पहले हम लोग के रूम में था, तो रूम में पहले लगा हुआ था, तो उसके बाद वो रूम में ना मतलब कि गिरने वरने का चांसेस ज़्यादा था, तो इसी के लिए मैंने बोला था कि इसको ऐसे यहाँ प्लेस कर दो, यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड इतना प्रिटी है ना, मतलब कि एकदम एंटीक टाइप का, एंटीक से भी बहुत प्रिटी है ये वास मेरा एकदम फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस फाइनली वो पीछे का काम हो गया, सारा मैंने सजा दिया है, मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी। तब तक तो मैं तो बहुत थक गई है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो गाइस ये पूरा हो गया डेकोरेटेड, मैंने इसको पूरा साफ कर दिया एंड सबको अपने अपने जगह में प्लेस कर दिया, मतलब अपने अपने जगह नहीं, मैंने सबका जगह चेंज कर दिया। एंड ये मैंने एज इट इज़ ही छोड़ दिया, मुझे ये ख़राब नहीं करना था, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था। गणेश जी, शिव जी एंड ऑल सब कुछ था, एंड यहाँ पर हाथी वाती मैंने सब कुछ प्लेस कर दिया, इसको जैसे था मैंने उसको एज इट इज़ ही छोड़ दिया। एंड वो जो था मैंने इसको यहाँ पर ऐसे टेढ़ा करके लगा दिया। एंड ये ताजमहल वो जो मैंने आगरा से ख़रीदा था उसको भी मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। एंड ये सब जो जैसा मतलब ये सब थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में रखा हुआ था, अलग अलग, जैसे कि एक म्यूजिशियन यहाँ था तो एक म्यूजिशियन दूसरे कॉर्नर में था, बट मैंने सबको एक साथ कर दिया कि एक जगह सबको गाना वाना बजा रहा है। एंड यहाँ पर छोटू सर सरस्वती माँ भी था, तो मैंने भी उसको ही गाने की जगह में ही रख दिया। एंड यहाँ पर एक पंजाबी कपल डांस कर रहा था, तो मैंने इन दोनों को भी साथ में ही डांस करने के लिए रख दिया, मतलब वहाँ ऊपर वो गाना बजा रहा है, यहाँ वो नीचे डांस कर रहा है, पूरा मतलब सेटअप कर दिया ऐसे ही, मतलब देखने में भी अच्छा लग रहा था, फुल फ्लेज्ड। एंड वो छोटू सा सरस्वती माँ भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, म्यूज़िक डांस सब कुछ का एक कॉम्बिनेशन हो गया। एंड ये केदारनाथ का तो मैंने जो दिखाया था वो मैंने एज इट इज़ ही रखा, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड इसको भी वैसे ही प्लेस कर दिया इसमें, मतलब कि ऐसे ही साइड करके। एंड ये हम लोग का शादी का फ़ोटो था, ये एक्चुअली तो हम लोग का फर्स्ट एनिवर्सरी मैंने लास्ट ईयर किसी ने गिफ्ट किया था, तो उसको मैंने यहीं पर लगा दिया। एंड ये ताजमहल तो मैंने दिखाया ही पहले, एंड देन ये एक छोटा छोटा सा ये ट्रीज एंड ऑल था। एंड ये हॉर्स था, ये पता है हॉर्स का टू पेयर्स था, पता नहीं मुझे वो एक पेयर मिल नहीं रहा था, मे बी नीचे होगा, चेक करना होगा। तो अभी जो मुझे मिला था तो मैंने उसको यहीं पर एक ही पेयर को रख दिया। एंड इसको मतलब इसका भी मुझे साथी को खोजना होगा। एंड देन गाइज ये सेक्शन, ये फ्लावर्स एंड ये तो एज इट इज़ जैसे था पहले, मैंने उसको ऐसे ही सजा दिया, बिकॉज इन सब पर ना हाइट्स बहुत ज़्यादा है, वी कॉन्ट चेंज देयर प्लेस, क्योंकि ये थोड़ा ऊँचा हाइट इसमें लगेगा, तो और ये सारा जो ब्रैकेट्स एंड ऑल है सब छोटा छोटा है, तो यही सबसे लॉन्ग हाइट वाला है, तो इसी के लिए ये जितना जितना है सबको मैंने ये एज इट इज़ ही जो था वैसे ही मैंने इसको ऐसे ही सजा दिया। एंड ये एक ऐसे ही जो क्या नाम है ट्री का था, तो उसको मैंने वैसे ही ट्री का कर दिया, उसको हॉर्स खोजूंगी तो फिर मैं एक हॉर्स वहाँ प्लेस कर दूंगी। तो बस इतना ही था, मुझे ये पूरा करना था, तो ये मैंने पूरा कर दिया, सजा दिया। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो फिर बताइए, अगर कुछ चेंजेस एंड ऑल आप लोग के हिसाब से भी अगर होगा तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, मैं वो उसको फिर रीचेंज कर दूंगी। बट ये जो केदारनाथ का पोर्शन मैंने इसको ऐसे ही सजाया रखा, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था। एंड ये हो गया ताजमहल का सेक्शन, एंड ये हो गया सारा अलग अलग सेक्शन। बस इतना ही था, सब मैंने सजा दिया, अभी वैसे ही बहुत लेट हो गया, अभी थोड़ा लंच टाइम हो गया, तो मैं भी जा रही हूँ लंच करने, आप लोगों से मिलती हूँ बाद में।
गाइस, आज तो मैं बिल्कुल थक गई, बहुत ज़्यादा थक गई। आज एक्चुअली ना सुबह से ही मेरा बहुत हेक्टिक डे हो गया था, क्योंकि आज सुबह सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरी जो हाउस हेल्प है जो आती है वो आई नहीं, आज उसने बंक मार दिया। तो फिर सुबह उठ के मुझे उसका पूरा काम करना पड़ा, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ मुझे करना पड़ा। तो फिर उसके बाद ये वाला भी साफ़ करना था, सारा वो शोपीस एंड ऑल को सब कुछ सेट करके उसको भी साफ़ करना था, प्लस वो भी करना पड़ा। एंड देन अभी फिर लंच करने के बाद फिर लंच का भी जो यूटेंसिल्स था वो भी धोना पड़ा। वो दिन में भी नहीं, सुबह भी नहीं आई, दिन में भी नहीं आई, दोनों टाइम नहीं आई। पता नहीं क्या हो गया उसको, वो बोली भी नहीं थी कि वो नहीं आएगी, कुछ हुआ होगा। लो अब ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा आए, बट वो हमेशा आती है। बट हाउस हेल्प में ना गाइस वो बहुत अच्छी है, मतलब वो हमेशा ही आती है, पता नहीं आज क्यों नहीं आई। कुछ ना कुछ होगा उसका, हेल्थ इश्यूज एंड ऑल का कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसके लिए शायद वो नहीं आई होगी। बट कोई नहीं, कभी कभी तो चलता है। अब उन लोग का भी अपना लाइफ है, अब वो लोग भी तो हर टाइम तो नहीं आ सकते हैं। पता नहीं मेरा हाथ बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, एक्चुअली शायद आज बहुत पानी का काम कर लिया ना इसी के लिए। तो जब भी मैं पानी का काम ज़्यादा करती हूँ ना तो मुझे मेरा मतलब हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। कोई नहीं, लोशन लगा लेती हूँ। तो वैसे ही मेरा हैंड थोड़ा ड्राई हो गया था तो मैं बस वही मॉइस्चराइज कर रही थी। एंड देन गाइज ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो गाइज प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।